Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. Hey guys, what's up and welcome back to my channel. और आज हम बनाने वाले हैं एक फ्री फायर का थंबनेल. तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है. तो चलिए यार शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आपको अपना एक बैकग्राउंड इरेज कर लेना है अपने करेक्टर का. आप डरिए मत, तो मैंने आपको इसका लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जो कि एक PNG फाइल है. आप वहाँ से जाके इस पैक को डाउनलोड कर सकते हो. इसमें जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा. सब कुछ आपको उस पैक में मिल जाएगा. सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेता हूँ, और मैं ये IBS में कर रहा हूँ. और अगर आप PSCC में करना चाहते हो या पिक्सल लैब में करना चाहते हो, वहाँ पर भी आप इसको सेम इसको फॉलो कर सकते हो. जैसा मैं इसमें करूँगा सेम आपको उसमें भी फॉलो कर लेना है. तो यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड को ले लेता हूँ, और फिर एक करेक्टर की PNG को ले लेता हूँ, ठीक है. और करेक्टर को लेने के बाद उसके जो हमें बैकग्राउंड में करेक्टर के जो पीछे है उस पर हमें थोड़ा सा एक ग्लो देना है. और आप, मैं इसमें IBS से दे रहा हूँ, तो आप अगर PSCC यूज़ कर रहे हो तो आप उससे देना. तो यहाँ पे मैंने इसमें ग्लो दे दिया है. ग्लो देने के बाद अब मैं यहाँ पे एक सर्कल को ऐड करूँगा, और आप इस तरह का ड्रॉ कर सकते हो, या इसकी PNG भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. और ये मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लूँगा, जहाँ पर भी आपको रखना है वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर लेना है. सर्कल को एडजस्ट करने के बाद अब मैं इसमें देने वाला हूँ एक ग्लो. तो आपको FX में जाना है, और FX में जाने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही ऑल में जाओगे और यहाँ पे साइड में जाओगे, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि है ब्लूम का. और ब्लूम में आपको यहाँ पे अपने इसमें देना है, और इसकी जो ब्राइटनेस है उसको यहाँ पे हम कर देंगे 40, और जो रेडियस है उसको भी यहाँ से हम कर देंगे 60. और एक यहाँ पे इम्पटी लेयर लेके मैं इसमें अब टेक्स्ट को ऐड करने वाला हूँ. और आप अपना कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर लिख सकते हो. और जो मैं इसमें फॉन्ट को यूज़ करूँगा उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. और गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना. और हम ऐसी नई नई वीडियोस लाते रहेंगे फ्यूचर में, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. और यहाँ से जो है मैं एक कलर यूज़ कर लूँगा, जो कि मैंने और सर्कल में और जो मेरे जो कलर करेक्टर के ऊपर है वो यहाँ पे यूज़ किया है, वही सेम कलर मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ. और जो टेक्स्ट है हमारा उसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे, जहाँ पर भी आपको रखना है उसको आप उसको प्लेस कर लेना है. अब टेक्स्ट का आपको एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है, और हम इसमें एक थोड़ा सा एक इफेक्ट देने वाले हैं थंबनेल में. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें मैंने वो थंबनेल में जो टेक्स्ट को यूज़ किया है. तो यहाँ पर मैंने उसको फ्लिप किया, और जो है यहाँ पर इस तरह से मैं इसको यूज़ कर लूँगा. और इसमें से आपको गाइज जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको यहाँ से रिमूव कर लेना है. और ये सेम इफेक्ट मैं गाइज इधर देने वाला हूँ, और इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर लूँगा और इसको रोटेट कर दूँगा. अगर आप चाहते हो उसका कलर चेंज करना तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो. तो मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर देता हूँ, और जो कि काफ़ी अच्छा लगता है. आप वैसे ऑरेंज भी रख सकते हो, बट मैं यहाँ से इसका वाइट कर रहा हूँ. आप अपने हिसाब से रख लेना है आपको. और उसमें हम देने वाले हैं ब्लूम. यही सेम इफेक्ट आपको दूसरी वाली लेयर पर भी दे देना है, और उसकी जो वो ब्राइटनेस थी उसको हल्का सा आपको बढ़ा देना है.
फिर आपको जाना है टेक्स्ट पे, और टेक्स्ट वाली जो लेयर थी उसमें जाना है आपको, उसमें भी आपको ब्लूम यहाँ पे दे देना है। और ब्लूम देने के बाद उसको एक डुप्लीकेट कर देंगे, और डुप्लीकेट करने के बाद इसको हम कर देंगे यहाँ से ऐड, और ऐड करने के बाद यहाँ पे आप इसकी जो ओपेसिटी है उसको आप कम कर सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो टेक्स्ट है हमारा वो बन चुका है। और इसमें गाइज हम एक और थोड़ा एक PNG का यूज़ करेंगे, एक पार्टिकल यूज़ करेंगे, तो यहाँ से मैं उसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। उसका लिंक गाइज आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये कुछ PNG हमारी, और इसको इसका सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँगा, और ऐड करने के बाद इसका जो कलर है वो यहाँ से मैं ऑरेंज कर लूँगा। आप वाइट भी रख सकते हो, बट मैं यहाँ से इसको ऑरेंज कर रहा हूँ। फिर आपको इसको यहाँ पे प्लेस करना है, जहाँ पर भी आप इसको प्लेस करना चाहते हो वहाँ पर आप इसको प्लेस कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ प्लेस करने वाला हूँ। और अब आपको इसकी जो ओपेसिटी है उसको यहाँ से कम कर लेना है। मैं इसकी ओपेसिटी को कर लेता हूँ 60, आप अपने थंबनेल के हिसाब से भी कर सकते हो। और गाइज आपको फिर लेना है एक इम्पटी लेयर, और इम्पटी लेयर लेने के बाद हम अपने जो थंबनेल है उसमें थोड़ा सा डार्कनेस ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम ब्लैक कलर को यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ से ब्रश को उसका साइज़ फुल कर देता हूँ, और जो ओपेसिटी है उसको यहाँ से कम कर लेता हूँ, ठीक है। और अब आपको जो है यहाँ पे आपको डार्कनेस करना है, आपको थोड़ा सा एक विग्नेट देना है अपने थंबनेल में। और वो जो लेयर है गाइज आपकी सबसे ऊपर होनी चाहिए, आप उसको या ऊपर कर लेना। और गाइज हमें एक और यहाँ पे एम्पटी लेयर बनानी है, जो कि हमारे करेक्टर को थोड़ा सा ग्लो करने के लिए हम यहाँ पे एक यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आप जो कलर आपके करेक्टर पे है वो यहाँ से चूज़ कर लेना है, और अब आपको अपने करेक्टर के ऊपर ये चीज़ ड्रॉ करनी है। तो हल्का हल्का यहाँ पे मैं ग्लो इसमें दे देता हूँ, आप भी अपने जो है करेक्टर के हिसाब से दे देना है। अगर आप सेम इसी तरह का बनाना चाहते हो तो आपको मेरी तरह ही यहाँ पे सेम देना है। वो जो ग्लो आपने दिया है उसको यहाँ से हम कर देंगे ऐड, और उसकी जो ओपेसिटी है उसको यहाँ से आप 50 कर सकते हो या 60 कर सकते हो, वो आप अपने देख लेना आपको, ठीक है। मैं यहाँ से 60 कर लेता हूँ, और हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। और यहाँ पे अब आपको एडजस्ट करना है, जो चीज़ आपकी ज़्यादा ग्लो है उसको आपको उसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट को थोड़ा ज़्यादा ग्लो करूँगा, तो यहाँ से मैं उसकी ओपेसिटी को बढ़ा देता हूँ। सो फाइनली हमारा जो थंबनेल है वो बन चुका है। और गाइज इसमें अब जो है हमारा कलर ग्रेडिंग बचा हुआ है, जब आप इसमें कलर ग्रेडिंग कर लोगे तो आपका जो थंबनेल है कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो कलर ग्रेडिंग की वीडियोज मैंने बहुत सारी बना रखी है, मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को देखकर अपने थंबनेल को कलर ग्रेड कर सकते हो। और गाइज इसमें कुछ थोड़े से एडजस्टमेंट बचे हुए हैं जो कि मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। आप भी अगर आपको लगता है कि जो टेक्स्ट है वो कम ग्लो है तो उसको यहाँ से आप ज़्यादा कर लेना। और यही था बस इस वीडियो में, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हम नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं। बाय गाइज़।